कलाकार के लिए हर दिन लहर होता है। मैं कलाकार हूं और कलाकार के लिए कोई लहर की जरूरत नहीं है, उसकी जनता ही उसकी लहर है। भाई भोजपुरी बारे में यार भी नाम है, पवन सिंह अकेले ही चुनाव में चले गए हैं, बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। अकेला कहाँ है, वो पूरी बिहार की जनता उनके साथ है और हमारे क्षेत्र के कलाकार है, बिहार के शेर है वो और बिहार के राजा हैं और वो जीतेंगे, हमारी विश्वास है, क्योंकि जिसके साथ जनता होती है उसी के पास पूरी साम्राज्य होती है। खेसारी जी का कैसा समर्थन है, खेसारी जी का कैसा समर्थन है पवन जी को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा समर्थन जहाँ तक है, जहाँ कलाकारी की बात आती है, और वो आदमी कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बहुत बड़ा किया है, तो हमेशा उनके साथ हमारी संवेदना भी रहेगी, हमारी सहयोग भी रहेगा, हमारा हमेशा सम्मान भी उनके लिए रहेगा और सहयोग हर चीज रहेगा। बीजेपी ने उन्हें नकार दिया, पार्टी से निकाल दिया, इस पर कुछ कहिएगा? देखिए, एक पुराने वर्कर को काफी समय से वो जुड़े हुए थे बीजेपी से। एक कलाकार के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है और किसी पार्टी के भरोसे कमजोर लोग आते हैं। हमारा बिहार का शेर आदमी है, वो अकेला ही राजा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ। रोड शो होगा, हेलीकॉप्टर शो होगा, दुनिया का जो भी शो होगा सारा हो जाएगा। भोजपुरी भाषा कभी बटा नहीं है, हम सब एक ही हैं। ये चुनाव के माहौल में कुछ लोग इसको बांट दे अलग विषय, बट भाषा कभी बटता नहीं है, बोलने वाले हम ही हैं, आप ही हैं। मगर मनोज तिवारी ने हलवा सभी लोग वहाँ पे मनोज तिवारी को अकेले छोड़कर रह गए और पवन सिंह जी को अकेले छोड़। अरे नहीं, पवन भैया अकेला कहाँ है, उनके पास पूरा साम्राज्य है, आज बिहार की जनता है, वो आदमी अकेला नहीं, और वो अकेला ही काफी है। अपनी भाषा के लिए इतना कुछ काम उन्होंने किया। एक तरफ बड़े बड़े नेता हैं, एक तरफ आप लोग हैं, दोनों लड़ाई को। देखिए, नेता में और बेटा में बड़ा फर्क होता है। पवन सिंह बिहार का बेटा है, कोई नेता बने अलग विषय है। बेटा जीतेगा, बिल्कुल जीते ना है उनको, जितना मंत्री और अमित शाह भी जा रहे हैं सभा करने। देखिए, हमारे लिए सम्मानित है, सम्मानित है, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम अपने हिसाब से जीवन को चलाएंगे। भारी पड़ेंगे पवन सिंह जी? देखिए, कौन भारी पड़ेगा, कौन कमजोर पड़ेगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। पवन सिंह को जीतना है ये मैं जानता हूँ। तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, क्या लगता है 24 में रंग बदल जाएगा? नीचे करना नहीं, बिल्कुल देखिए बदलना चाहिए, बिहार की जनता को तय करना है। हम तो एक कलाकार है, हम तो संगीत के माध्यम से बातें कर सकते हैं, और बिहार को बदलना है नहीं, ये तो नेताओं का काम होता है। मैं तो बस संगीत में बदल सकता हूँ, संगीत में अपनी चीजों को बड़ा। मेरी एक रंगदे बसंती सिनेमा आ रही है जो कि बहुत बेहतर तरीके से, तो मैं जहाँ हूँ वहीं कोशिश करता हूँ। तेजस्वी का बदलाव का जो माहौल है वो काम आएगा बिहार में, आगे बदलाव दिखेगा? बिल्कुल, लोगों को अगर लगता है कि उन्होंने बदला है तो बदलना चाहिए। लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है, क्या खेसारी लाल भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे? मैं अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ रहा हूँ अपने भाषा के लिए, काहे के हमको फंसा रहे हैं आप लोग इधर। जब सब लोग इधर ही आ जाएंगे तो भाई अपने भोजपुरी भाषा का भी तो कुछ गरिमा बचना चाहिए कि नहीं? तो मैं अपने भाषा के लिए काम कर रहा हूँ, बाकी हमारे भाई करी।